की सुबह जो है वो धनशो में, और सुबह से यात्रु 4 बजे से जागे हुए हैं। मैं कुछ यात्रु तो सोए नहीं, पूरी रात चलते रहे, मैं पूरी रात देख रही थी यात्रु चल रहे थे, पर सुबह सुबह जो जागे और वो निकल गए, तो रास्ते में इतनी बारिश आई, इतनी ज़्यादा, हम भी जाने वाले थे ऊपर पर अभी तक नहीं गए क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश आई थी। अभी थोड़ी थोड़ी स्लो स्लो हुई, तो मैं थोड़ी बाहर निकल के आपको भी, इतनी ही धुंध है। अभी सारे यात्रु ऊपर की ओर जा रहे हैं, कुछ तो निकल चुके हैं, कुछ अभी निकलने को है। अब देखते हैं आगे कैसा रहता है, बहुत ज़्यादा बारिश है, लेकिन भक्तजन जैसे ही निकलेंगे, जयकारा भरेंगे भोले बाबे का, तो बारिश शायद रुक जाएगी। और सुबह सुबह अभी हम डल के और निकल रहे हैं, पर ये जो शिवलिंग मैं आपको कल दिखाया था, तो इसकी मैं मतलब ये दिखाती हूँ कि पिछले साल जो है बहुत सारे लोगों ने, 400-500 लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया है ये मतलब नीचे से, और ये ऊपर कैलाश कुंड की ओर ले जा रहे थे, पर जैसे ही कुछ महीने बाद इनको फिर से यहाँ से उठाने आए तो ये उठाने नहीं बने, तो इसकी वजह से इनको यहीं पर स्थापित कर दिया गया। इतनी बारिश में भी किसी का जोश कम नहीं हुआ है, सुबह सुबह रेनकोट पहन के, कुछ छाते ओढ़ के, कुछ बिना छातों के, बिना रेनकोट के चलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं ऊपर की ओर। रास्ता भी देखो कितना कठिन है, कितनी चढ़ाई है, ऊपर जाना अभी। ये रही हमारी धनशो घाटी, जो यहाँ से पूरी दिखाई देती है, छोटे छोटे बच्चे कैसे रेनकोट पहन के चल रहे हैं। थके बच्चा, थके नहीं थके, हाँ देखो ये बच्चे भी कितने जोश में चल रहे हैं। और अलावे जी जो है ना, तो ये पापा की पीठ से अभी अभी उतरी हैं। अलावे जी थक गए, थक गए नहीं थके, अच्छा पापा ने उठाया था। हाँ अलावे जी अभी अभी पापा की पीठ से उतरे हैं, अभी खुद चलेंगी। धनशो के एक इस साइड से रास्ता है और एक उस पार वाली साइड से रास्ता है। यहाँ भी हमें स्थान स्थान पे कहीं कहीं पे वन देवियां मिल जाएंगी बीच बीच में, जो यहाँ की रक्षा करती हैं, वन में सबकी रक्षा करती हैं, इनको जरूर मत्था टेकना चाहिए। अभी हम पहुंच चुके हैं शिव घराट, यहाँ को शिव घराट कहते हैं क्योंकि यहाँ कान पत्थर से लगाने से अंदर से जैसे चक्की होती है ना आटा पीसने वाली, तो उसकी आवाज जो होती है उस टाइप की आवाज आती है, यहाँ पे घराट की आवाज आती है, इसलिए यहाँ का नाम जो है शिव घराट पड़ा हुआ है। लोग यहाँ पे ना गेहूं और मक्खियां चढ़ाते हैं ताकि घराट में पीसी जाए। कुछ लोग यहाँ पे आवाज सुन रहे हैं कान लगा के, ये सारे लोग जो ऊपर हैं ये सारे आवाज सुनने गए हैं यहाँ पे। और लोगों ने ये ढेरों के ढेर मक्खियां गेहूं यहाँ पे चढ़ाया हुआ है, सभी यहाँ कान लगा के सुनते हैं और हम भी सुनते हैं कि सच में आवाज आ रही है। आवाज आ रही है भैया? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, हम भी सुन। जय भोले भक्तों, जय भोले। कहाँ से आए हो आप? हम जैन के। जैन के से? और
आप हर साल आते हो? हर साल आते हैं। हर साल। और कहाँ से आते हो? डूडू बसंतगढ़ से। डूडू बसंतगढ़ से। और कैसे? पैदल? पैदल ही यात्रा। किस किस रास्ते से? मतलब पठानकोट वाले? टगर बनी तेल का चंबा। अच्छा, तो पैदल? अच्छा अच्छा, तो इनका कहना है कि ये हर साल पैदल आते हैं और इस साल सिक्योरिटी रीजन की वजह से आप शायद गाड़ी में आए। हाँ हाँ, गाड़ी में। इस साल सिक्योरिटी रीजन की वजह से। बाकी हर साल कितने साल हुए आपको? सोलह साल हुए। हाँ, तो आप देख सकते हो कहाँ कहाँ से भगत यहाँ पे आते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोले, जय भोले। तो ये कहाँ कहाँ से लोग और कितनी श्रद्धा के साथ, बारिश नहीं देखते, धूप नहीं देखते, और कितनी श्रद्धा के साथ भोले बाबा जी के दर्शन के लिए जाते हुए। यहाँ पे देखिए कैसी कैसी जड़ी बूटियाँ हैं, फूली फूल है, रंग बिरंगी जड़ी बूटियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे। और साथ में ही है पानी का झरना। पानी की तो कोई कमी नहीं है इस रास्ते में। हर कौन लिख रहे हो? ये देख सकते हो नदी में किसी के बैग दो बह के गए हैं। देखिए, मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करूंगी आपको। ये देखिए, एक बैग इधर है और एक नीचे है, और दो बैग बह के गए हैं। अब पता नहीं कोई बंदा बह गया है या सिर्फ बैग ही बहे हैं। अब किसी ने इतना कठिन है, और ये भैया जो है इसने दौड़ लगाई है नीचे के लिए। शायद से इसी का बैग है ये। ओहो, ये भी गिर रहा है बेचारा। देखो कितना कठिन रास्ता है, विश्व की कठिन यात्रा है ये। कोई मजा? ओ, एक और बैग बह गया। ये कहाँ से बह रहे हैं इतने बैग? ओहो, ये देखो, अब ये भैया गया तो है बैग निकालने। अब एक बैग तो इसने निकाल दिया, अब दूसरा निकाल पाएगा या नहीं? और तीसरा तो बह ही गया नीचे, वो तो नहीं निकलेगा मुझे लगता है। ओहो, दूसरा भी पकड़ ही लिया इसने। ओहो, बह रहा है। हाँ, पकड़ लिए दोनों बैग। ओहो, बैग तो इसने पकड़ लिए, पर तीसरा बैग जो है वो बह ही गया नीचे, चला ही गया वो। घंटे से वो लड़का जिसने बैग पकड़े हैं वो वहीं पे बैठा हुआ है, क्योंकि वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है। और यहाँ से इतने श्रद्धालु यात्रु जा रहे हैं, पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि उसकी हेल्प करे। पर अलव्य के पापा बहादुर हैं, वो गए हैं उसकी हेल्प करने और वहां से बैग लाने, क्योंकि ये गीले बैग हैं, क्विंटल तो इसका वेट हो चुका होगा। तो अब देखते हैं ये कैसे इसको निकालते हैं। पीछे वो लव्या, पीछे ये देखो, अब ये कैसे बैगों का रेस्क्यू कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं बैग इसके हाथ से बच्चे के। हाँ, आखिरकार एक बैग तो इन्होंने ला ही लिया, अब दूसरा लाएंगे। इसे उठाना नहीं बन रहा है क्योंकि ये काफी भारी बैग हो गया। बड़ा बैग था ऐसे भी, और वैसे भी भारी हो गया। फिर याना जैन ओहो, आफ्टर ऑल इन्होंने बैग ला ही लिए, निकल ही गए बाहर। यहाँ से भी दो रास्ते निकलते हैं। एक नीचे से रास्ता जाता है, ये वानर घाटी बोलते हैं इसको, वानर घाटी से होते हुए गौरीकुंड के लिए। और ये वाला रास्ता, यहाँ पहले काफी एवलांच होता था, बर्फ रहती थी यहाँ पे, पर इस साल ऐसा कुछ नहीं है, गर्मी है। रास्ते में घोड़े इस तरह से चलते हैं ना कि आदमी गिर ही जाए, इतने बुरे तरीके से। वानर घाटी वाले रास्ते से हम इसलिए नहीं आए क्योंकि वो काफी तंग रास्ता है, वहां से सिर्फ एक एक आदमी धीरे धीरे चल सकता है, और यहाँ से खुला रास्ता है, ज्यादा लोग इधर से चल रहे हैं। बताया आपको कि बहुत बर्फ रहती थी यहाँ से, पर इस बार भी है। यहाँ पे देख सकते हो आप, बर्फ है अभी, इतनी गर्मी होने के बावजूद भी यहाँ पे बर्फ है अभी।
अंततः हम गौरीकुंड पहुंच ही गए और यहां से देख सकते हो आप पहाड़ियों का, कैलाश की पहाड़ियों का सुंदर दृश्य। लेकिन ये अक्सर देखने को नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ हमेशा जो है धुंध छाई रहती है, कभी कभी बादल छटते हैं, तो बड़ा ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है यहाँ का। हमारा गौरी माता का कुंड, क्योंकि कहते हैं कि गौरी कुंड में महिलाएं स्नान करती हैं और सुहाग की चीजें चढ़ाती हैं, और यहाँ पे स्नान किए बिना अगर हम यात्रा करेंगे तो हमारी यात्रा संपूर्ण नहीं होगी। तो अभी हम यहाँ पे महिलाएं स्नान करेंगी तो फिर यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगी। देख सकते हो जहाज कितने पास से आ रहा है यहाँ पे। भरमौर से लेके यहाँ तक जो है ये हेलीकॉप्टर की सर्विस है, और यहाँ से ऊपर जिसने जाना हो तो वो घोड़ा करके जा सकता है, नहीं तो पैदल भी थोड़ा सा ही है। तो सामने ही दिखता है, इनसे जो हेलीकॉप्टर सर्विस बंद थी क्योंकि यहाँ धुंध आ जाती है, तो उसके कारण यहाँ जहाज नहीं आ पाता है। पर आज धूप निकली है तो फिर से जहाज चल रहा है। अब यहाँ से मात्र झील 1 किलोमीटर रह गई है ऊपर, ये देख सकते हो आप ऊपर दर्शन। ये देखियो इधर चाचा जी ने जो है, तो ये जड़ी बूटियां जो है ये इस पर्वत से कहां कहां से, पता नहीं कहां कहां से लाई हैं। ये इसको ये क्या बोलते हैं इसका, घुग्गी। ये बाण, ये शिव जटा। अच्छा वो भी वही है शिव जटा। हाँ तो इन्होंने यहाँ पे कश्ती से लाई है, पता नहीं कहाँ कहाँ से, कहाँ कहाँ से उठा के है ना, दूर से लाई है। हाँ बहुत उधर ऊपर नंगे पहाड़ है जहाँ पे, वहाँ से लाई है ये बूटियाँ। और ये किस काम आती हैं, इनसे पूछते हैं किस काम आती हैं ये। धूनी के काम आती है। धूनी किस बात की धूनी, मतलब कोई बच्चे बुच्चे कोई नजर उधर लग छाया पर छाया। हाँ बहुत बढ़िया। सिंदूर के पहाड़ बना बना के रखते हैं ताकि तीर्थ यात्रा से सिंदूर लेना काफी शुभ माना जाता है, इसलिए यहाँ पे सिंदूर के पहाड़ बनाए हुए हैं। अभी 1 मिनट में धुंध आ गई है, देख सकते हो आप। अब जहाज का आना भी मुश्किल हो जाएगा। हो गई तो थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ते चढ़ते दरबार तक पहुंचते पहुंचते बुरी हालत, फिर से बारिश शुरू हो गई यहाँ। मतलब मौसम ऐसा रहता है कि 5 मिनट के अंदर बारिश और 5 मिनट के अंदर धूप, पता ही नहीं चलता है मौसम का। तो क्या करें, हमने थोड़ा सा टेंट में आश्रय लिया है क्योंकि हमारे पास तो अभी छाता भी नहीं है, अभी छाता भी आगे आगे चले हैं छाते वाले, तो क्या ही करें। कुछ लोग तो बारिश में ही चल रहे हैं, क्या करेंगे। यहाँ पे ठहरने के लिए भी है ही नहीं कुछ टेंट वगैरह। हर महादेव राष्ट्र। हम पर्वत पे, पर्वत के सामने ये जो झील है मणिमहेश की, वहाँ हम पहुंच ही गए हैं। और आप देख सकते हो ये भोले बाबा जी का पर्वत, जो भोले बाबा जी का घर माना जाता है। यहाँ पे अभी धुंध छाई हुई है, धुंध छटते ही यहाँ पे कुछ आकृतियां दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। वो अपने अपने भाव से किसी को क्या दिखाई देता, किसी को क्या दिखाई देता। तो इस दर्शन के लिए सारे लोग आते हैं यहाँ पे, और कभी कभी यहाँ मणि भी दिखाई देती है। मणि चमकती हुई जब सूर्य निकलता है तो तब मणि भी दिखाई देती है। वो सब दर्शन हम करने के लिए सारे लोग बैठे होते हैं एक टुक इस पर्वत की ओर दृष्टि किए हुए। अभी देखो फिर से धुंध में छुप गया ये पर्वत, अभी फिर कुछ दिखाई नहीं देगा। सोहन बोलते हैं।
ऐसी फोक चढ़ गई है कि यहाँ मतलब दूसरा आदमी भी दिखाई नहीं दे रहा है। मणिमहेश डल के पास पहुंचने के बाद परिक्रमा करते हैं लोग, फिर उसके बाद स्नान करते हैं और इसके बाद फिर से परिक्रमा, पूजा पाठ, जयकारे वगैरह मैं सारा आपको दिखाने वाली हूँ आज। और बारिश रुकने का नाम नहीं रही है, बार बार बारिश आ रही है, तो देखते हैं आज कैसा रहता है हमारा ये यात्रा का सफर। छटनी लगा रहे हैं बादल छटने के लिए, ताकि बादल पूरे छट जाएं पहाड़ी से और हमें भोले बाबा के दर्शन हो जाएं, पर बादल छटने का नाम नहीं लेते हैं, फिर आ जाते हैं थोड़े बहुत। अब देखते हैं कब तक दर्शन होते हैं। देखिए दर्शन, एक बीच में शिवलिंग सा दिखाई देता है। मैं थोड़ी हाइट पे बैठी हूँ ताकि यहाँ से दर्शन कर पाऊँ आसानी से, और भक्तजन जयकारे, भक्तजनों के जयकारों से पूरा मतलब ये पूरा एरिया गूंज रहा है। मैं बोलूँगी ना बोले बाबा के मंदिर आके बहुत मजा। अभी लगभग धुंध छट सी गई है और ये दर्शन भोले बाबा के। वो देखो बीच में बर्फ है और दर्शन भोले बाबा के। पहाड़ियों पे देखो कैसी आकृति बनी है पहाड़ियों की, किस टाइप की, गोल गोल टाइप की, कुछ धारियां सी, कुछ कैसी। वाह कितनी अच्छी, मैं मजे कर लूंगा मजे कर लूंगा मजे कर लूंगा मजे कर लूंगा। जैसे भद्रवाह यात्रा आती है तो परिक्रमा करते हैं और ऐसे ही नाश्ते गाते परिक्रमा की जाती है। Oh,
मित्रता की परंपरा है और ये दोनों भाई जो हैं आपस में मित्रता कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि दूर तीर्थ स्थान पे आके मित्रता करनी चाहिए। जो मित्र जो होता है उसका मतलब साथ अच्छा रहता है, पता नहीं क्या मान्यता है पर है जरूर। झील के बैक साइड जो ये आपको रास्ता दिख रहा है, ये व्हाइट व्हाइट पत्थरों वाला बना हुआ रास्ता है, इसके उस ओर गांव है, उस ओर मतलब जितना हम हर्सल से यहाँ आए कुंड तक तो इतना उस पहाड़ी से तो वहां नीचे तक है, तो हौले पिंड है वहां का नाम, तो ये रास्ता वहां के लिए जाता है। यहाँ पे मुझे एक बात बहुत ही गंदी लगी, क्योंकि जो हम स्नान करते हैं और अपने यहाँ पे गारमेंट्स फेंक देते हैं तो ये बहुत गंदी बात है, हमें धार्मिक स्थानों पे ऐसी जैसी चीजें नहीं फेंकनी चाहिए। तो ये सब आप भी इसके बारे में राय दें मुझे कमेंट बॉक्स। मेरा तो सभी भगत जनों से निवेदन है कि वो किसी भी तीर्थ स्थान पे जाएं, यहाँ तो इतने दूर हम कितने मतलब 14 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पे चढ़ के आते हैं और यहाँ आके भी हम ये पवित्र स्थान जो है वो गंदा करेंगे तो कैसे चलेगा, क्या हमारी यात्रा सफल हो पाएगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। इसलिए मेरी वीडियो जो जो भी देखे तो जहाँ भी जाए पवित्र स्थान पर तो कृपया अपनी जो गंदगी है वो यहाँ मत डालें। यहाँ पे लोग अपने बच्चों के मुंडन करते हैं और अलव्य के लिए ऑफर आया है मित्री करने का, क्योंकि जिसका मुंडन किया जाता है, जिसके बाल निकाले जाते हैं तो दूसरे बच्चे के गोद में डाले जाते हैं, इससे उनकी एक रिश्ता बन जाता है मित्रता का, भाई बहन का। तो ये अलव्य को मित्र बन रहे हैं आपके, लड़का है कि लड़की है? लड़का है, लड़की है। अच्छा, दोनों की मित्रता करानी है, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमने लंगर में थोड़ी सी सेवा की, क्योंकि तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन से हो त्रिविध कल्याण। ये देख सकते हो सुबह के 5 भी नहीं बजे हैं अभी और थोड़ी थोड़ी लाइट दिखा दे रही है और भोले बाबा की पहाड़ी पे जो है ताजी ताजी बर्फ पड़ी है। अभी मेरे कैमरे में साफ साफ दिखाई तो नहीं दे रही है पर ताजी ताजी बर्फ पड़ी है थोड़ी थोड़ी जैसी, तो मतलब पूरी रात तो बर्फ ही पड़ रही थी यहाँ पे। तो अभी सारे भगत जन जयकारे बोल रहे हैं सुबह सुबह, जन जो है इस रात पूरी रात नहीं सोते हैं ताकि कहीं से भी पहाड़ी पे भोले बाबा जी अपने दर्शन दिखा जाएं। और बहुत सारे लोगों को दर्शन भी होते हैं, किसी को जोत दिखाई देती है, किसी को मणि दिखाई देती है और भिन्न भिन्न प्रकार से भोले बाबा जो हैं दर्शन देते हैं। और सुबह सुबह भी मणि के दर्शन होते हैं पर आज मतलब धूप ही नहीं निकली क्योंकि इतनी सारी धुंध पड़ी हुई है, बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और सभी भगत जन जो हैं तो अपने अपने बैग सामान बांध के तो घर की ओर जाने के लिए तैयार हो गए हैं। तो अब हम अंतिम परिक्रमा करेंगे झील की और फिर घर की ओर प्रस्थान करेंगे। जय सिया राम। आप सब लोगों ने भी मणिमहेश के दर्शन किए और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको कैसे लगे हमारे ये दर्शन और आपको इसमें क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी, और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।